राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका जीकेएस ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, कल हमने बात करी थी परिवार उत्पत्ति के कुछ जो सिद्धांत थे उनके बारे में। आज अपन बात करेंगे परिवारों के जो विभिन्न प्रकार हैं और परिवारों के जो विभिन्न कार्य हैं उनके बारे में। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है परिवार के प्रकार, ठीक है। तो परिवार के प्रकार में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं, पहला जो हमारा आधार है वो है प्रकृति के आधार पर, ठीक है। तो प्रकृति के आधार पर जो परिवारों के प्रकार होते हैं, उसमें एक है एकल परिवार और एक होता है संयुक्त परिवार। अब अगर हम बात करते हैं कि प्रकृति के आधार पर ये जो एकल परिवार होता है ये क्या होता है, तो ध्यान से सुनना। एकल परिवार में पति पत्नी, पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चे, ठीक है। पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चे जो हैं वो एकल परिवार के पार्ट होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। अब देखो, ऐसा है कि एकल परिवार बनता कब है, मतलब सिंपल सी है। इधर शेखावटी में इस तरह से बोला जाता है कि एकल परिवार जब आपका राशन कार्ड बन जाए आपके नाम का, ठीक है, तब आप एक परिवार बन जाते हैं, ठीक है। तो वो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि एकल परिवार में जो स्थिति होती है उसमें पति पत्नी हो सकते हैं, पत्नी व बच्चे हो सकते हैं। और बच्चे कौन सी, मतलब कैटेगरी क्या होती है, बच्चे कौन होंगे, अविवाहित होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो अविवाहित बच्चे ये एकल परिवार कहलाता है। अब इस एकल परिवार को हम और भी नाम देते हैं। एकल परिवार और क्या कहलाता है, एकल परिवार को हम नाभिक परिवार भी कहते हैं। इसको न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है। एक ही बात है, न्यूक्लियर फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली के नाम से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो एकल परिवार कहते हैं हम, नाभिकीय परिवार कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो, एकल परिवार की ये जो व्यवस्था है, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, ये तो क्या है, एक पुराने शास्त्रीय अवधारणा है और जितने भी विद्वान हैं वो इस अवधारणा को मानते हैं, ठीक है। लेकिन परिवारों का एक स्वरूप है, ठीक है। उन स्वरूपों को, ऐसा नहीं है कि पूर्व में मान्यता नहीं थी, पूर्व में मान्यता थी। जैसे हमारे खजुराहो के मंदिर, उन खजुराहो के मंदिर में मतलब जो अप्राकृतिक सेक्स है ना, मतलब जो अप्राकृतिक, आप समझ गए, यौन संबंध है, वो भी देखने को मिले हैं। अप्राकृतिक यौन संबंध का मतलब मैं आपको बताऊं कि स्त्री का सेक्स, पुरुष का सेक्स, ठीक है, इस तरह के जो अप्राकृतिक संबंध है ये खजुराहो में देखने को मिले हैं। और वात्स्यायन का जो काम सूत्र है उसमें भी इन अप्राकृतिक सेक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो उन्हें गलत नहीं माना जाता था। भारत के जो पुराना भारत था हमारा, उस समय भी ये मतलब समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त रखते थे, ठीक है। लेकिन जब समय बदला तो ब्रिटिश भारत में, ठीक है, इस जो संबंध है, अप्राकृतिक जो यौन संबंध है, इनको गलत देखा गया कंटिन्यू। और भारत सरकार के द्वारा एक धारा लाई गई, आईपीसी की धारा 377, ठीक है,
इंडियन पैनल कोड आईपीसी की धारा 377 लाई गई और इस धारा 377 के अंतर्गत जो अप्राकृतिक यौन संबंध है उनको अपराध की श्रेणी में रखा गया। अप्राकृतिक यौन संबंध किए जाने की स्थिति में उन व्यक्तियों को 10 साल या आजीवन कारावास की सजा, 10 साल या आजीवन कारावास की सजा थी आईपीसी की धारा 377 के अकॉर्डिंग। अब आईपीसी की धारा जो 377 है इससे मुक्ति मिली, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था 6 सितंबर 2018 में एक फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने और इस धारा को निरस्त कर दिया, और कहा कि यदि कोई बालिग स्त्री पुरुष, स्वेच्छा से स्वयं की इच्छा से यदि समलैंगिक या अन्य प्रकार के अप्राकृतिक यौन संबंध अगर अपनाते हैं तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये है। अब अप्राकृतिक यौन संबंध का अर्थ मैं किससे बात कर रहा हूं वो समझना, ये सामान्यतः जो होता है एकल फैमिली में ही काउंट किए गए हैं इन्हें, 6 सितंबर 2018 से ये एकल फैमिली में काउंट किए जाएंगे जिनको मैं बता रहा हूं। एलजीबीटी हम कहते हैं इन एकल परिवार को, हम एलजीबीटी, या जीएलबीटी आप किसी भी तरह कह सकते हैं, जीएलबीटी। तो ये चार प्रकार के और परिवार होते हैं जो कि एकल परिवार से ही संबंधित है, एकल परिवार का ही एक रूप है वर्तमान में। एल होता है लेस्बियन, ठीक है, लेस्बियन में क्या होता है कि एक स्त्री को ही पसंद करने लगती है, उसी के साथ वो समलैंगिक यौन संबंधों का निर्माण करती है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो एकल फैमिली होगी उसे हम लेस्बियन कहेंगे, इस प्रकार की जो एकल फैमिली होती है उसको हम लेस्बियन कहेंगे, जिसमें स्त्री का स्त्री के साथ संबंध होता है। अब मैं इस प्राकृतिक इस अप्राकृतिक यौन संबंध की बात कर रहा हूं, उन अप्राकृतिक यौन संबंध की बात नहीं कर रहा हूं जो जैसे न्यूज़पेपर में आप पढ़ते हैं कुछ पुरुष, ठीक है, कुछ पुरुष ऐसे आता है कि फलाने फलाने पुरुष के द्वारा बकरी का रेप किया गया, बकरी के साथ दुराचार किया गया, ठीक है, तो वो पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत वो आपराधिक मामला माना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वो उन अप्राकृतिक यौन संबंधों की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये एलजीबीटी की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो लेस्बियन स्त्री का स्त्री से, एक होता है गे, गे का होता है जब पुरुष पुरुष से संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है, पुरुष पुरुष से संबंध स्थापित करते हैं तो वो गे कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा फिर है बी, होता बायसेक्सुअल, होता उभयलिंगी, ठीक है, और एक होता है ट्रांसजेंडर, होता है परलिंगी, ठीक है। परलिंगी जैसे परपोषी होता है ना, वो दूसरे पर निर्भर होता है, मतलब ट्रांसजेंडर आप समझ रहे हैं कि ऐसा होता है कि ईश्वर ने उसको शरीर तो पुरुष का दिया है लेकिन उसमें जो गुण नजर आ रहे हैं वो एक स्त्री के नजर आ रहे हैं, उन्हें हम परलिंगी कहते हैं, तो वो क्या है, ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। तो इनको अब ये ध्यान रखिए आप, 6 सितंबर 2018 से एलजीबीटी एकल परिवार माने जाएंगे, एलजीबीटी को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है, याद रखेंगे, ठीक है। अब इनके पीछे तो कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, ये तो डिसऑर्डर होते हैं, अब लेस्बियन और गे, इनके पीछे डिसऑर्डर भी होता है और कुछ सामाजिक परिस्थितियां भी होती हैं। एग्जांपल लेस्बियन की अगर हम बात करें या गे की हम बात करें तो ऐसा मानिए कि कोई बेटा है, अपने पिता का कोई बेटा है, ठीक है,
उसकी ना मम्मी चली गई, अर्ली एज में मम्मी चली गई। अब उसकी स्टेप मॉम आती है, मतलब कि सौतेली माँ आती है। सौतेली माँ आके क्या करती है, उस बच्चे को उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा आचरण नहीं करती है। बच्चा बहुत परेशान है, बिल्कुल भी अच्छा आचरण नहीं हो रहा है। ऐसे में अब बालक क्या करता है, अपने पिता के साथ उसका अटैचमेंट हो जाता है, और धीमे 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 उसके साथ, उस बालक के साथ इतना, अपने सौतेली मोम के द्वारा इतना ज्यादा उस, मतलब अत्याचार ही समझ लीजिए आप, इतना ज्यादा व्यवहार, बुरा व्यवहार होता है कि उसका अटैचमेंट स्त्री के बजाय पुरुष की ओर होने लगता है। उसको पुरुष अच्छे लगने लगते हैं। उनकी जो मनोप्रवृत्ति है, वो बड़े होने के बाद भी, मतलब बड़ा हो गया, युवक हो गया, ठीक है, अब तो उसे गर्ल्स अच्छी लगनी चाहिए थी, बट क्या होता है कि अब भी उसको कौन अच्छे लग रहे हैं, पुरुष ही अच्छे लग रहे हैं। बस ये स्थिति हो जाती है गे के संदर्भ में, ऐसा ही है स्त्री के संदर्भ में। तो ये कुछ सामाजिक परिस्थितियां भी होती हैं और कुछ डिसऑर्डर भी होते हैं। ओके, तो ये तो हो गया एकल परिवार। एक और चीज बताऊं, एकल परिवार में हम शामिल करते हैं नवीन, जिनको हम कहते हैं लिविन, लिविन लिविन क्या होता है, वैसे तो पुराने समय में और भारतीय समाज में इस लिविन को अपराधी माना जाता था, लिविन को अपराध माना जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लिविन को भी मान्यता देता है यदि दो बालिग आपसी सहमति से साथ रहना चाहते हैं तो। तो भारतीय कानून में ये वैध है, भारतीय कानून में वैध है, बट सामाजिक परंपराओं में, भारत की संस्कृति में ये वैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के जो परिवार होते हैं उनकी सुरक्षा भी करता है। अब लिव इन होता क्या है, लिव इन होता है कि बिना शादी किए, बिना शादी किए स्वेच्छा से स्त्री पुरुष, वो भी बालिग, ठीक है, बालिग स्त्री पुरुष, और बालिग स्त्री पुरुष यदि स्वेच्छा के साथ बिना शादी के एक दूसरे के साथ रहते हैं तो हम उसे लिविन कहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में ये लिविन भी मान्य है, वैध है, अवैध नहीं है। ओके, ये बात हो गई एकल परिवार की। ये अच्छा क्वेश्चन है, एलजीबीटी ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। 6 सितंबर 2018 में 377 जो धारा है आईपीसी की, उसे ढील दी गई, उसको पूरी तरह से रद्द नहीं किया गया है। अप्राकृतिक यौन संबंध कौन से वाले, ये समझ लेना आप, है ना, वो वाला नहीं जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, बकरी वाला। ओके ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो बात हो गई हमारे एकल परिवार की। अब हम बात करते हैं संयुक्त परिवार की। संयुक्त परिवार में क्या होता है, संयुक्त परिवार आप जानते ही हैं, बहुत ही सिंपल, भारत में पूरे विश्व के सबसे ज्यादा संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं, भारत में सबसे ज्यादा संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आ जाए कि भारत में सबसे ज्यादा संयुक्त परिवार कहाँ देखने को मिलते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा संयुक्त परिवार राजस्थान में देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई, हम राजस्थानी, ठीक है, संयुक्त परिवार में रहने वाले बंदे हैं या बंदियां हैं, ठीक है, ओके। तो संयुक्त परिवार में हम सबसे ज्यादा निवास करते हैं। अब संयुक्त परिवार होता क्या है, ध्यान से सुनना, संयुक्त परिवार जहां एक ही छत के नीचे, जहां एक ही छत के नीचे एक से अधिक पीढ़ी के लोग सहयोग के साथ और रक्त संबंधों पर आधारित जो समूह होता है उसी को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। एक हैं विद्वान श्रीमती इरावती कर्वे, श्रीमती इरावती कर्वे, श्रीमती इरावती कर्वे हैं, वो एक शानदार परिभाषा देती हैं, और परिभाषा क्या, उनका एक कोटेशन है, परिभाषा नहीं है, उनका कथन है, और वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, ठीक है, और वो कथन मैं लिख रहा हूं कि भारत में परिवारों का अर्थ ही, भारत में परिवारों का अर्थ ही संयुक्त परिवार से होता है, ठीक है,
मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है कि भारत में परिवारों का अर्थ ही किससे होता है, संयुक्त परिवार से होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, ये इरावती कर्वे, श्रीमती इरावती कर्वे का शानदार कोटेशन है संयुक्त परिवार के संदर्भ में। ओके, आगे हम बात करते हैं परिवारों के प्रकार में विवाह के आधार पर। विवाह के आधार पर जो परिवार होते हैं उनमें सामान्यतः हमें नजर आता है एक विवाही और बहुविवाही जो परिवार होते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। एक प्रकार हो गया जिसको हमने कहा एकल विवाही परिवार। परिवारों में विवाह के आधार पर, परिवारों में विवाह के आधार पर जो सबसे ज्यादा परिवारों का स्वरूप देखने को मिलता है वो होता है एकल विवाही, ठीक है, एकल विवाही। अब एकल विवाही जो परिवार है, एकल विवाही जो परिवार है, इस एकल विवाह में सिंपल है, सीधा बता देता हूं, एक स्त्री का विवाह एक पुरुष से, एक स्त्री का विवाह एक पुरुष से, या एक पुरुष का विवाह एक स्त्री से। आप सोच रहे होंगे बात तो एक ही हो गई ना, एक थोड़ी हुई, एक स्त्री एक ही पुरुष से करे, है ना, एक स्त्री कई पुरुष से भी कर सकती है, एक स्त्री कई सॉरी एक पुरुष से करे और एक पुरुष एक स्त्री से करे, ऐसा जो विवाह होता है क्या होता है, एकल विवाह होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, एकल विवाह ही परिवार होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, हमारे परिवार का एक दूसरा जो प्रकार होता है जिसको हम कहते हैं बहुविवाह। बहुविवाह, बहुविवाही जो परिवार होते हैं उनको हम सामान्य इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। एक होता है बहु पत्नी विवाह, बहु पत्नी विवाह, एक होता है बहु पति विवाह, ठीक है। इसके अलावा इनके हम डिटेल से बात करेंगे, इसके अलावा लुईस मॉर्गन उद्विकास का सिद्धांत देते हैं ना, परिवार पत्ती का उद्विकास का सिद्धांत देते हैं, ठीक है। तो उद्विकास के सिद्धांत के आधार पर वो इस बहुविवाह के बारे में कुछ बताते हैं। वो कहते हैं कि लुईस मॉर्गन कहते हैं कि प्रारंभ में जो परिवार का स्वरूप था वो रक्त संबंधों पर आधारित था, रक्त संबंधों पर आधारित, ठीक है। इसके बाद परिवार डेवलप हुए या उनका क्रमबद्ध विकास हुआ और परिवार आ गए समूह विवाही परिवारों में, समूह विवाह परिवार। अब ये वाला जो परिवार है समूह विवाह परिवार, ये बहुविवाह का ही एक टाइप है, इसको हम अलग से कर सकते हैं समूह विवाह, समूह विवाह, ठीक है। एक तीसरा जो प्रकार उसने बताया लुईस मॉर्गन ने, वो बताया सिंडेस्मियन परिवार, ठीक है। और चौथा जो उसने बताया था कर्मिक अवस्थाओं में परिवारों का किस तरह विकास हुआ, तो वो रहा पितृसत्तात्मक। ये किसके अकॉर्डिंग है, लुईस मॉर्गन के अनुसार। अब ये जो थर्ड नंबर है सिंडेस्मियन परिवार, ये भी बहुविवाह का ही एक अन्य एग्जाम्पल माना जाता है, सिंडेस्मियन, ठीक है, सिंडेस्मियन ऐसे आएगा ये भी ना, सिंडेस्मियन। ओके, तो अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया लुईस मॉर्गन के अनुसार परिवार की उत्पत्ति उद्विकास के आधार पर, उद्विकास को हमने पढ़ा था, उद्विकास में क्या है क्रमबद्ध है परिवार, कि परिवारों का जो विकास हुआ है वो क्रमबद्ध हुआ है या कर्मिक अवस्था,
क्रमिक अवस्था से हुआ है, ठीक है। अब यहां हम बात करते हैं बहुपत्नी विवाह। बहुपत्नी विवाह क्या होता है कि यदि यदि एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ विवाह करे, यदि एक पुरुष कई स्त्रियों के साथ विवाह करे तो हम उसको कहते हैं बहुपत्नी विवाह। अब आप बहुपत्नी विवाह जो समाज में अस्तित्व में आया, उसके अस्तित्व में आने की जो वजह थी वो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन्हीं के द्वारा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया था। बहुपत्नी विवाह एक सामान्य बात होती है कि जो पुरुष हैं, पुरुष वो पुराने समय में युद्ध लड़ा करते थे, पुराने समय में युद्ध लड़ा करते थे और उनकी डेथ हो जाया करती थी, स्त्रियां घर पे रहा करती थी, तो उनका जो लिंगानुपात है वो उनमें स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो गई, पुरुष कम हो गए, ठीक है। अब स्त्रियां अपनी यौन इच्छा की पूर्ति के लिए, ठीक है, अवैध जो तरीके हैं उनको ना अपनाएं, तो समाज को व्यभिचार से बचाने के लिए एक पुरुष का विवाह कई स्त्रियों के साथ कर दिया जाता था, ठीक है। तो ये स्थिति होती है बहुपत्नी विवाह की। अब हमारे भारत में विशेष जैसे नागा जाति है, नागा जाति में बहुपत्नी विवाह, मुस्लिम है, मुस्लिम समाज में बहुपत्नी विवाह देखने को मिलते हैं, बट आज ये जो जातियां हैं इनमें अब मुस्लिम समाज और या कोई भी अन्य समाज हो, बहुपत्नी को विवाह का जो स्वरूप है अभी मतलब कि चेंज होता जा रहा है, वो एकल विवाह में आते जा रहे हैं, एकल विवाह समाजों में चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। क्यों, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है बहुपति विवाह। बहुपति विवाह में क्या होता है कि बहुपति विवाह में जब एक स्त्री कई पुरुष के साथ, ठीक है, कई पुरुष के साथ विवाह करे तो उसको हम क्या कहेंगे, बहुपति विवाह कहेंगे, ठीक है। बहुपति विवाह भी क्या है, अभी समाज का जो सिस्टम है, समाज की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए समाज के प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा किया गया उपचार है। ये पुराने समय में, आज का नहीं है, पुराने समय में, ठीक है। ओके, तो बहुपति विवाह की हम बात करते हैं, तो बहुपति विवाह में क्या होता है कि पुराने समय में जो पुत्रियां हुआ करती थी, पुत्रियों की भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। आज भी पढ़े लिखे लोग भ्रूण हत्या करते हैं, ठीक है। तो ये स्त्री की संख्या में कमी आ जाती थी, ठीक है। तो पुरुष अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए अवैध तरीकों को ना अपनाए, रेप वगैरह, दुराचार वगैरह ना हो, इस वजह से समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा अधिक पुरुषों को एक स्त्री से विवाह करने की अनुमति दी गई थी। तो इस प्रकार के जो परिवार हैं वो क्या कहलाते हैं, बहुपति परिवार कहलाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं बहुपति विवाह में, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि बहुपति विवाह की भारत में कहां देखने को मिलते हैं, तो भारत में विशेषकर तमिलनाडु की कोटा और टोडा जनजातियों में देखने को मिलता है, साथ ही उत्तराखंड की जौनसारी, खस जनजातियों में देखने को मिलता है। अब बात आती है यहां पर बहुपति के बाद, मतलब बहुपति जो है, बहु विवाह का ही एक रूप है, समूह विवाह। समूह विवाह क्या होता था कि ये किसके अकॉर्डिंग है, लुईस मॉर्गन के अकॉर्डिंग है, बट बहुविवाह का ही एक रूप है। समूह विवाह में क्या होता था कि एक परिवार की सभी स्त्रियों का विवाह एक परिवार के सभी पुरुषों के साथ कर दिया जाता था, ठीक है। अब ऐसा था कि उस समूह विवाह में कोई भी पुरुष, विवाह के बाद कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से, कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष से सेक्स कर सकते थे, ठीक है। तो ऐसा जो विवाह कहलाता है वो समूह विवाह कहलाता है। एक होता है सिंडेसमियन परिवार। सिंडेसमियन जो परिवार होते हैं ये भी लुईस मॉर्गन की देन है। सिंडेसमियन जो परिवार है उसमें ये है कि एक पुरुष का विवाह यद्यपि किसी अन्य परिवार की एक ही स्त्री से होता था, एक पुरुष का विवाह एक ही स्त्री से होता था, लेकिन वह पुरुष स्त्री के परिवार में उपस्थित सभी विवाहित जो महिलाएं थी उन महिलाओं से वो सेक्स कर सकता था।
इस प्रकार का जो परिवार होता है वो कौन क्या कहलाता है, सिंडेसमियन परिवार कहलाता है। तो हमने जाना एकल विवाह परिवार और हमने जाना बहुविवाह परिवार। बहुविवाह परिवार में हमने समूह विवाह लुईस मॉर्गन के अनुसार, सिंडेसमियन जो परिवार है वो भी लुईस मॉर्गन के अकॉर्डिंग हमने जाने। ओके, ये थे परिवार का एक प्रकार जो हम कहते हैं जिसको प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर हो गए थे, सॉरी विवाह के आधार पर है ना, प्रकृति के आधार पर हमने एकल और संयुक्त को जान लिया था। अब आते हैं हम परिवारों के जो अन्य प्रकार हैं। परिवार में एक प्रकार हम और पढ़ेंगे, फिर हम अगले लेसन में इसकी बात करेंगे। देखो परिवार का एक प्रकार होता है, दो छोटे छोटे जो नाम है, जो दो छोटे छोटे परिवार हैं हम उनकी बात करते हैं। एक परिवार है वंश, वंश नाम के आधार पर, एक होता है सत्ता के आधार पर, सत्ता के आधार पर। वंश नाम, वंश नाम के आधार पर ये सामान्य तो दो होते हैं, मातृनामी, मातृनामी, और एक होता है पितृनामी। ठीक है, सत्ता के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक। ये दो प्रकार के परिवार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वंश नाम के आधार पर, एक हो गया मातृनामी और एक पितृनामी। मातृनामी सिंपल आप जान पा रहे हैं कि जब परिवार में वंश का नाम माता के सरनेम से जाना जाए, वंश का नाम वंश के जो कोई भी उत्पन्न जो संतानें हैं उन संतानों में सरनेम जो लगे वो माता के नाम से लगे तो उसको हम कहते हैं मातृनामी। और इस प्रकार के परिवार हमें देखने को मिलते हैं मात्र सत्तात्मक परिवारों के संदर्भ में, मातृनामी हमें देखने को मिलता है। ये हमारे जो गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया जो जनजातियां हैं हमारे भारत में जो कि रहती हैं विशेषतः मेघालय में, यहाँ पे इस प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं जिनमें वंश माता के नाम से चलता है, वंश माता के नाम से चलता है। ऐसे परिवारों में लड़के है ना, ऐसे परिवारों में लड़के बारात लेके नहीं आते हैं, लड़कियां बारात लेके आती हैं और लड़का विदा होता है, लड़का विदा होता है और वो पहुंचता है ससुराल। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, तो पितृनामी, पितृनामी क्या होता है? पितृनामी में ऐसा होता है कि जो परिवार होते हैं वो पिता के सरनेम से चलते हैं, पिता के नाम से चलते हैं तो उसको हम कहते हैं पितृनामी। और मोस्टली भारत में पितृनामी ही परिवार देखने को मिलते हैं। सत्ता के आधार पर मात्र सत्तात्मक परिवार, मात्र सत्तात्मक परिवार का मीन्स है कि घर का मुखिया, घर का मुखिया, घर का संचालक, घर का प्रबंधक, कर्ता धर्ता कौन है? माता होती है। तो ऐसे परिवार जो होते हैं वो मात्र सत्तात्मक परिवार होते हैं। ठीक है, मात्र सत्तात्मक परिवार आपको विशेषतः देखने को मिलते हैं मालाबार। मालाबार कहाँ पड़ता है? केरल में। मालाबार केरल में जो नायर जनजाति है, नायर जनजाति है, उनमें हमें मात्र सत्तात्मक परिवार देखने को मिलते हैं, मात्र सत्तात्मक परिवार देखने को मिलते हैं। ठीक है, मात्र सत्तात्मक परिवारों में पिता के स्थान पर जो ज्यादा भूमिका होती है वो मामा की होती है, मामा की भूमिका अधिक होती है। मामा की भूमिका अधिक होती है मात्र सत्तात्मक परिवार में। और पितृ सत्तात्मक की अगर हम बात करते हैं तो घर का मुखिया, घर का कर्ता धर्ता, ठीक है, प्रबंधक संचालक जो भी है वो कौन होता है? पिता होता है। यानी यहाँ पे घर का मुखिया पिता,
मुखिया पिता और ऐसे परिवार मोस्टली हमारे पूरे भारत में देखने को मिलते हैं। और पितृसत्तात्मक परिवार में किसकी भूमिका अधिक होती है? बुआ की। बुआ की भूमिका जो होती है वो अधिक होती है, ठीक है। पितृसत्तात्मक में बुआ ज्यादा भूमिका निभाती है, मतलब जो इस सत्ता में पितृसत्तात्मक परिवार में जब लड़के का रिश्ता करना होता है ना, या लड़की का रिश्ता करना होता है, तो मोस्टली रिश्ते नाते करवाने वाले कौन होते हैं? बुआ और फूफाई होते हैं ना। याद करो आप के घर में किसी ने किसी का रिश्ता हुआ तो उसमें मुख्य भूमिका निभाते बुआ फूफा, बुआ फूफा मोस्ट भूमिका, ठीक है। इसके अलावा मातृ सत्तात्मक में रिश्ते करवाने वाली जो भूमिका होता है वो मामा निभाते हैं, है ना। दहेज में भी यही आगे आता है, मगर दहेज मांगने में बुआ फूफा और फिर मामा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके भी, तो ये परिवारों के सत्ता के आधार पर प्रकार हो गए और ये हो गए वंश नाम के आधार पर। ओके तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में तो हम इतनी ही बात करेंगे। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहने के लिए आपको थैंक यू। ओके, आप वीडियोस लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।